आंसर कीजिए। जिस किसी ने अभी अभी लास्ट मैसेज भेजा है, इतने सारे पता नहीं क्या क्या। अच्छा, रोहित लिखा हुआ है आइकॉन से। नाम तो सही से लिख लिया करो तुम लोग। यस, इट इज द ऑप्शन वन। क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन वन, इंट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और क्या चीज यहाँ पे ऐड की जाती है आपस में? यूनिट ऑफ एक्सॉन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग इन यूकैरियोट्स। चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे सब। बढ़िया, अच्छे से पढ़ के आया यार तुम लोग। तो सब बना जा रहा है और सबका सही बना जा रहा है। यस, इट इज ऑप्शन टू, डोमिनेंस ऑफ आरएनए वॉल। नो पलक, इट इज द ऑप्शन टू। इन प्रोकैरियोट्स द प्री डोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज द। थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर देना इसका। क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन पढ़ाया था ना ये, कि प्रोकैरियोट्स पे क्या होता है रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन कैसे होता है हाँ विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। अगर आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन से बाइंड हो गया तो क्या होगा? आपका जीन रेगुलेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। पढ़ाया था अभी तो। ये यस प्रोसेस क्या कहलाती है जब आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड होता है? तो इनिशिएशन। इनिशिएशन। अभी और जब न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना शुरू कर देगा हेलिक्स ओपन करके, देन दैट लेवल इज कॉल्ड एज इलॉन्गेशन। एलोंगेशन। ये याद रखना, ठीक है? इनिशिएशन में पॉलीमराइजेशन नहीं होगा, ठीक है? एक भी न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं होंगे। जस्ट आरएनए पॉलीमरेज इज बाइंड टू द प्रमोटर रीजन विद द प्रेजेंस ऑफ, चैट बॉक्स में रिप्लाई करना, विद द प्रेजेंस ऑफ कौन बाइंड करवाएगा आरएनए पॉलीमरेज को? यस तन्वी, बाकी लोग जल्दी जल्दी करो, रिप्लाई करो। कौन बाइंड करवाएगा ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन में? आरएनए पॉलीमरेज इज गोइंग टू बाइंड टू द प्रोमोटर रीजन व्हिच फैक्टर्स हेल्प टू बाइंड द आरएनए पॉलीमरेज। यस, इट इज सिग्मा फैक्टर। ठीक है, चलो बताओ। द हार्श एंड द चेज एक्सपेरिमेंट ऑफ व्हाट फाइंडिंग लीड टू द कंक्लूजन दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल।
कोमल रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली फर्स्ट रीड द एंटायर क्वेश्चन जसक्रीत रीड द क्वेश्चन हार्श जैसा एक्सपेरिमेंट याद करो क्या हुआ था सुपरनेटेंट बना था पैलेट बना था याद आया ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट और अभी पढ़ो क्वेश्चन को अच्छे से क्या हुआ था बेटा हार्शन चीज एक्सपेरिमेंट में मैम बैक्टीरियोफेज को एक रेडियोएक्टिव फास्फोरस एंड सल्फर करवाया था इकोलाई को है ना और बैक्टीरियोफेज को लेबल किया हुआ था दो पार्ट होते हैं एक होता है आपका प्रोटीन कोड एंड जेनेटिक मटेरियल और क्या होता है आपका जेनेटिक मटेरियल जो होता है जेनेटिक मटेरियल को किससे किया था फास्फोरस 32 32 फास्फोरस और प्रोटीन को किससे किया था S35 क्या हुआ था यहाँ पे सुपरनेटेंट में ये मिला था और आपका पैलेट में क्या मिला था 32P तो किसकी प्रेजेंस से पता चला था कि डीएनए प्रेजेंट होता है आपका प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव इन बैक्टीरिया व्हेन 32P वाज यूज्ड ठीक है इससे कोई लेना देना ही नहीं था सुपरनेटेंट आपका ऊपर था दैट मींस वो आपके इकोलाई के अंदर गया ही नहीं था तभी तो वो सुपरनेटेंट में मिला था तो ये तो आपका ऑप्शन सेकंड रॉन्ग है बेटा ठीक है Yes, क्या मिला था फास्फोरस क्यों फास्फोरस क्यों फास्फोरस को ही टैग क्यों किया था ये बताओ क्योंकि फास्फोरस डीएनए में पाया जाता है Yes, ma'am. इसलिए फास्फोरस को टैग किया था ठीक है नेक्स्ट करो क्वेश्चन विजिबल है सबको Yes, ma'am. चलो करो दिशा क्वेश्चन पढ़ो बेटा सही से विच एंजाइम पॉलीमरेज आरएनए विद डिफाइंड सीक्वेंस इन द टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर कौन सा एंजाइम होगा आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो लोग आंसर दे रहे हैं क्यों ही दे रहे हैं भाई रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है आरएनए टू डीएनए बनाता है ना होगा क्या ये ऑप्शन में पेप्टाइडल ट्रांसफरेज क्या कर रहा था पेप्टाइड ग्रुप का ट्रांसफर करेगा आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा था पॉलीमराइजेशन कर रहा था कुछ नहीं भी बनता था तो भी टिक कर लोगे यस मैम एलिमिनेट करना सीखो ऑप्शन को अगर तुमसे बिल्कुल नहीं बनता लेकिन तुमने वो जो भी टॉपिक है वो अच्छे से पढ़ा है तो सबसे पहले ऑप्शन देखो और ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो ये तीनों एंजाइम पता थे यस मैम चलो ठीक है फोर्थ वाला नहीं पता था इट इज डजंट मैटर लेकिन आपको ये तीनों तो पता थे ना ठीक है जब ये तीनों पता थे तो फिर ये तो करके एलिमिनेट कर देते जब ये तीनों एलिमिनेट हो गए तो बचा कौन सा ऑप्शन फोर्थ वाला ठीक है चलो नेक्स्ट करो द कोर आरएनए पॉलीमरेज इज कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग विच स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन What happened अक्षिता
आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड से एक्ट करता है। ये वाले का आंसर करो, जो उसने ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से पढ़ा है उसी से बनेगा। द कोर आरएनए पॉलीमरेज इज कैपेबल ऑफ कैटेलाइजिंग विच स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ओनली बाइंडिंग करता है इनिशिएशन में, और कैटेलाइजिंग कब करेगा, मतलब न्यूक्लियोटाइड ऐड करना कब स्टार्ट करेगा, इन द इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन, चलो ये करो। कौन है ये? ऋषभ बेटा क्वेश्चन सही से पढ़ो, क्या लिखा है? डायरेक्शन ऑफ आरएनए सिंथेसिस, और क्या पूछ रहा है आपका? डायरेक्शन ऑफ टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड, यही पूछा है। अगर तुमको डायरेक्शन पता है, अगर तुमको आरएनए सिंथेसिस का डायरेक्शन भी पता है ना, देन यू विल फाइंड द आंसर। द आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट। रिमूवल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड फ्रॉम द न्यूक्लियोप्लाज्म विल अफेक्ट द सिंथेसिस ऑफ। यस इट इज द ऑप्शन फर्स्ट। अभी चैट बॉक्स में ही रिप्लाई करना, ये आपके किस ट्रांसक्रिप्शन की बात हो रही है यहाँ पे, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स? चैट बॉक्स में ही रिप्लाई करेंगे सब। कौन सा है ये, यूकैरियोट्स है या प्रोकैरियोट्स है? कौन सा है आपका? यस यूकैरियोट्स की बात हो रही है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में एक ही आरएनए पॉलीमरेज से क्या होते हैं, तीनों आरएनए सिंथेसाइज होते हैं, लेकिन जो यूकैरियोट्स होता है उसमें आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3 होते हैं। फर्स्ट वाला कौन सा किसको करता है मैम? आरआरएनए 28, 89, 528 और आपका सेकंड किसको करेगा? एमआरएनए। ठीक है, क्लियर। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए?
द ऑप्शन विल बी इंड्यूसर, आपका टर्मिनेटर, प्रमोटर और स्ट्रक्चरल जीन पाए जाएंगे। चलो, इफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज अ नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस एज, यस, इफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज द नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस एज ATCTG, व्हाट वुड बी द कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रिंग सीक्वेंसेस, बताओ। कौन सा होगा आपका UAGAC? इफ इट इज ऑन द आपका, अगर मान लो ये क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड है, तब क्या होगा आंसर? इफ इट इज द कोडिंग स्ट्रैंड, नो दीक्षा, अगर कोडिंग स्ट्रैंड है तो आरएनए स्ट्रैंड की सीक्वेंसेस क्या होंगी? क्या करना था? सेम मिरर करेगा, बस टी के प्लेस पे क्या करना था, यू करना था। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, ए यू सी यू जी जी। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन इन अ डिफाइंड ऑर्डर ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड, ये तो बनी जाएगा सबसे अभी। इट इज स्प्लाइसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, व्हाट आर दोज स्ट्रक्चर दैट अपीयर एज बीट्स ऑन स्ट्रिंग इन द क्रोमोसोम एंड व्यूड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या होगा आंसर इसका, न्यूक्लियोसोम, ये करो बेटा, सॉल्व दैट वन। ढंग से पढ़ना और ढंग से करना, सबका सही होना चाहिए।
क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बाइंड विद द रिप्रेसर एंड इनएक्टिवेटेड। तो ऐसा होता है क्या? या तो ग्लूकोज बाइंड हो जाए या तो गैलेक्टोज, ऐसा तो होता ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ही गलत है। इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज द रिप्रेसर बाइंड विद द ऑपरेटर रीजन। होता है ऐसा, जब लैक्टोज होगा तो एलोलैक्टोज बनेगा, एलोलैक्टोज जाकर के क्या करेगा आपका? नहीं, अच्छा ये बोल रहे, इन द मेमोरी एब्सेंस ऑफ लैक्टोज द रिप्रेसर बाइंड विद द ऑपरेटर। यस, बी इज करेक्ट। प्रेसर द जेड जीन इनकोड्स द परमीएज। जी, जेड जीन क्या बनाता है बेटा? लेग जीन, बनाएगा तो गलत है। दिस वॉज इलिसिडेटेड बाय फ्रेंकोइस जैकोब एंड जैकस मोनोड। करेक्ट ये भी सही है। यस सी एंड डी इज द यस मैम राइट ऑप्शन। है आपका, इट इज राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो। द लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल ग्रेटली एक्सीड द डायमेंशन ऑफ द न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल। हाउ इज द डीएनए अकोमोडेट? क्या होगा इसका ऑप्शन बेटा? सुपर कॉइलिंग सुपर कॉइलिंग एंड न्यूक्लियोसोम। ठीक है, एकोमोडेट करने के लिए ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। वेट, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम बाइंड टू द जीन प्रमोटर एंड अज्यूम अ सेडल लाइक स्ट्रक्चर। व्हाट इज द डीएनए बाइंडिंग सीक्वेंस? टाटास जो आपका सीक्वेंस होता है वो क्या होता है? पाया जाता है ट्रांसक्रिप्शन जहाँ पे इनिशिएशन होता है आपके प्रमोटर रीजन पे। ठीक है, यूकैरियोट्स में। राइट, तो ऑप्शन क्या होगा इसका? फोर्थ वन। ओकाजाकी फ्रेगमेंट इन डीएनए चेन ग्रोथ।
यस इट इज द ऑप्शन फोर, पॉलीमराइज द 5' to 3' डायरेक्शन एंड एक्सप्लेन 3' to 5' डीएनए रेप्लिकेशन। होगा ऐसा लैगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड। चलो ये बताओ द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स इन डीएनए आर, पलमिंदर ये क्यों सेमी कंजर्वेटिव क्यों होगा, सेमी कंजर्वेटिव कैसे होगा? द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इन डीएनए आर, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बात कर रहा है बेटा, शुगर फिर क्या होता है आपका इस तरह से, ये याद आया फॉस्फेट इस वाले से भी इस वाले से भी, याद आया yes. एक चेन हो गई आपकी ठीक है, और दूसरी चेन यहाँ पे होगी ना ऐसे ही, यस मैम इसकी बात कर रहा है, तो किस तरीके से रहती है अरेंज, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल ठीक है ना। अभी सेमी कंजर्वेटिव कहां से आ गया, इट इज इन द रेप्लिकेशन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए की, नॉर्मल डीएनए की बात कर रहा है ठीक है। डिसकंटिन्यूअस और पैरल आपका जो सभी कंजर्वेटिव है ये किस में होता है, रेप्लिकेशन में होता है, तो पैरेलल तो होता है आपका, लेकिन क्या होता है अगर ये वाला क्या है आपका 5' to 3' है, तो ये वाला क्या होगा 3' to 5' ड्यू टू विच, फॉस्फेट है ना, फॉस्फेट के अरेंजमेंट की वजह से होता है ऐसा, तो एंटी पैरेलल होगा। अमीनो एसिड सीक्वेंसेस इन प्रोटीन सिंथेसिस इज डिसाइडेड बाय द सीक्वेंस ऑफ, किसके सीक्वेंस पे अमीनो एसिड सीक्वेंस जो होती है प्रोटीन सिंथेसिस की डिसाइड की जाती है। Yes, it will be, क्या होगा आपका mRNA ठीक है, mRNA में जो भी आपका सीक्वेंस रहता है उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा अमीनो एसिड कोड करता है ठीक है। और कौन सा अमीनो एसिड लेकर के आएगा, कौन सा सॉरी यस कौन सा अमीनो एसिड कैरी करके लाएगा tRNA, ये किस पे डिपेंड करता है मैम, उसके जो एंटीकोडोन है और कोडोन है किस पे डिपेंड करेगा, ये एंटीकोडॉन्स पे, एंटीकोडॉन्स कैसे दिए हुए इसके अकॉर्डिंग वो लेकर के आएगा आपका, कि मेथियोनिन लाना है, लाइसिन लाना है, फेनिलएलनिन लाना है, इट इज डिपेंड्स ऑन वेयर आपके एंटीकोडॉन पे। वन टर्न ऑफ द हेलिक्स इन द बी फॉर्म डीएनए इज एप्रोक्सीमेटली, बेटा क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ो, पूछ क्या रहा है, बनते हुए क्वेश्चन गलत करोगे तुम लोग, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो पहले। वन टर्न का पूछ रहा है,
ऐसे ही होता है आपका, शुगर फिर क्या होगा आपका बेसिस और फिर शुगर और फिर इधर फॉस्फेट, ऐसे ही रहता है। तो ये एक बेस पेयर कहलाएगा, दो बेसिस मिलके क्या बनाते हैं एक बेस पेयर, ठीक है। और दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है, 0.34 नैनोमीटर। 0.34। और एक टर्न पूछ रहा है, एक टर्न में कितने आपके बेस पेयर कवर टेन होते हैं, 10। इंटू कर दो कितना आ जाएगा, 3.4 नैनोमीटर। इसी को पिच भी बोला गया था। यस मैम। क्वेश्चन बेटा बनता बनता नहीं गलत करना। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल मींस दैट, एंटी पैरेलल का मतलब क्या है। और अभी मैं कैलकुलेशन वाले भी करवाऊंगी तुमसे क्वेश्चन। अपने मार्क्स कैलकुलेट करते रहना कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। क्या होगा, किस वजह से होता है बेटा आपका एंटी पैरेलल, फॉस्फेट ग्रुप्स एट द स्टार्ट ऑफ टू डीएनए स्ट्रैंड आर इन द अपोजिट पोजीशन, दो पोल पे पाए जाते हैं आपके, ठीक है। एक यहाँ पे भी फॉस्फेट पे एंड होगा और यहाँ पे भी फॉस्फेट पे एंड होगा, ठीक है, और ये वाला भी होगा। तो इस वजह से क्या होता है आपका अपोजिट पोल पे आप पाए जाते हैं, तो 5' टू 3', 3' टू 5', द ऑप्शन 3 इज द राइट वन। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर प्रोपोर्शन ऑफ डीएनए, क्या होगा आपका सिंथेसाइज्ड ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन 4। ओकाजाकी की बात कर रहा है, तो ओकाजाकी क्या होते हैं आपके ऐसे डिसकंटिन्यूअस वाले, है ना, और ये क्या होते हैं आपके लैग कर रहा है बीच में, है ना। लैग मतलब क्या होता है, रुकना, रुक रुक के बना रहा है, ठीक है। तो लैग से लैगिंग स्ट्रैंड याद करना, जहां कहीं ओकाजाकी फ्रेगमेंट आएंगे आपके लैगिंग। ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ यूकेरियोट्स टेक प्लेस इन, बताओ अभी। अक्षिता, अनीश, सब लोग क्या कर रहे हो, इतना स्लो रिप्लाई क्यों, ये इतना इजी क्वेश्चन है, इतना स्लो रिप्लाई क्यों। अभी तो मैं बिना ऑप्शन वाले भी करवाऊंगी कैलकुलेशन तुमसे। ध्रुव क्या कर रहे हो भाई, यूकैरियोट्स कैसा होता है, कंपार्टमेंट्स होते हैं। यस मैम। जब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में भेजना होता है तभी तो हम क्या कराते हैं, मैचुरेशन ऑफ एमआरएनए, तो जाहिर सी बात है कि ट्रांसक्रिप्शन हो कहाँ रहा है न्यूक्लियस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉनसेंस कोडॉन, बताओ।
वेरी गुड तन्वी, वेरी गुड। मैं ये भी देख रही हूँ कि सबसे पहले कौन आंसर कर रहा है। कोशिश करो कि जल्दी से पढ़ के पहले भी करने की कोशिश करो, क्योंकि टाइम भी तो आपके पास लिमिटेड है। यस, आपके जो स्टॉप कोडॉन होते हैं दैट आर ऑल आर कॉल्ड एज नॉनसेंस कोडॉन, और ये तीनों ऑप्शन किसके हैं? फ्रेम स्टॉप कोडॉन। शिफ्ट म्यूटेशन अकर्स व्हेन, वैसे तो ये इसका मॉलिक्यूलर बेसिस का नहीं है लेकिन आपने पढ़ा हुआ है, जेनेटिक्स का ही है। बताओ, इजी था तो डाल दिया मैंने स्लाइड में। देखो, अगर बेस सब्स्टिट्यूटेड होता है तो क्या होता है, रिप्लेस होगा तो इट इज पॉइंट म्यूटेशन। ठीक म्यूटेशन। है, क्या कहते हैं इसको? पॉइंट म्यूटेशन करते हैं। और अगर कोई डिलीशन या एडिशन हो रहा है तो क्या करेंगे? तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पूरा फ्रेम ही शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरा एकदम चेंज। द बाइंडिंग साइट ऑफ टीआरएनए विद एमआरएनए एंड अमीनो एसिड रिस्पेक्टिवली आर, ध्यान से पढ़ना और आंसर करना बेटा इसका। क्या होगा इसका ऑप्शन? एमआरएनए कहाँ पाया जाता है आपका? एमआरएनए मैम, टीआरएनए बाइंडिंग के साइट क्या होती है एंटीकोडॉन। हमारे? एंटीकोडॉन है ना, रिकॉग्निशन वही होता है ना। और अमीनो एसिड जो होता है वो कहाँ होगा आपका? सीसीए एंड ठीक है, तो कौन सा होगा आपका? फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन बताओ एक। अब चलो, अब सॉल्व करो बिना ऑप्शन वाले क्वेश्चन। ठीक है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, अब मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगी एंड यू हैव टू सॉल्व। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ ए एंड टी इज 45%। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है, नाउ यू हैव टू सॉल्व। ठीक मैम, है, ये क्वेश्चन दोनों को मिला के प्लस करके 45। पढ़ो बेटा और करो। ठीक है, अमाउंट ऑफ गुआनिन बताओ। क्वेश्चन करो, सॉल्व मैम ये जो करो, फोर्टी क्वेश्चन क्लियरली लिखा हुआ है। टोटल अमाउंट ऑफ ए एंड टी इज 45% अमाउंट ऑफ गुआनिन, क्या आगे क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब आपको गुआनिन बताना है। कैलकुलेट करो पहले। पहले कैलकुलेट करो।
गुड तन्वी, वेरी गुड। बाकी लोग कितना आएगा? एकदम सही से कैलकुलेट करना, राउंड ऑफ मत कर देना कोई, सही सही कैलकुलेशन बताओ कितना आएगा। यस, बाकी लोग जल्दी जल्दी करो कैलकुलेट। आस्था, कुछ गड़बड़ हो गई है शायद टाइपिंग में, देख लो आस्था, चेक करो आंसर, आई थिंक टाइपिंग में मिस्टेक है। क्या बोल रहा है? टोटल अमाउंट ऑफ ए एंड टी इज 45%, तो सबसे पहले 100 में से क्या करोगे? 45 को 45 minutes, कितना आ जाएगा? 55, इट इज 55, 55। अब सिर्फ 55, ग्वानिन पूछ रहा है, दैट मीन्स 55 इज द ग्वानिन प्लस साइटोसिन का 27.5 परसेंटेज है, हाफ कर दो कितना हो जाएगा? इट इज 12 27.5%. परसेंट क्लियर? चलो यस मैम, यस मैम. एक और करो। ए एन टी इज 60%। कैलकुलेट जी एन सी एंड जी करो, दो आंसर आएंगे जल्दी से। गुड तन्वी। आज साहित्य नहीं है क्या? कितना होगा बेटा जीएनसी का? कितना होगा? 100 माइनस 60, 40%, और 40 का हाफ ट्वेंटी करेंगे तो इट विल बी 20 परसेंट परसेंट ठीक है, क्लियर? चलो यस मैम. इफ देयर आर 96 अमीनो एसिड्स, कितने अमीनो एसिड्स हैं? 96 इंस्टेड ऑफ 20, ठीक है, 20 की जगह कितने अमीनो एसिड हैं टोटल? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, 96 अमीनो एसिड, ठीक है, एंड डीएनए हैज 12 बेस पेयर, और डीएनए के बेस पेयर कितने हैं? 12 बेस पेयर है, ठीक है, मतलब 12 बेसेस, सॉरी, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा? मिनिमम नंबर ऑफ बेस पर कोडॉन बताओ, मिनिमम नंबर ऑफ बेस पर कोडॉन, ठीक है, पर कोडॉन, कैसे दीक्षा? कैसे भी पूछूंगी अभी मैं? अभी कैसे भी पूछूंगी? मैम जैसे वन बेस इज कोडिंग फॉर एसिड, तो फिर हमारे पास 12 अमीनो एसिड्स हैं, तो हम 12 × 12 12 करेंगे, तो बेटा हमारे 12 पास अमीनो एसिड नहीं है, 12 बेसेस आर देयर, अमीनो मैम वो एसिड ये 96 है, बता 20 की जगह 96 अमीनो एसिड बना रहे हैं, और जो चार बेस होते थे उसकी जगह कितने बेस हो गए हैं? मैम, वो इसलिए 12। हुआ क्योंकि इन जनरल हमारे पास 3 न्यूक्लियोटाइड्स होती है 1 कोडोन. अगर हम 3 3 न्यूक्लियोटाइड्स का कॉम्बिनेशन लेंगे तो फिर मैम 17 22 28 बन रहे हैं, वो ज्यादा हो जा रहे हैं, इसलिए हमने दो दो का पेयर लेंगे तो कम हो जाएंगे हमारे पास, तो हमारे पास 96 अमीनो एग्जैक्टली एसिड्स पहले होंगे. हम 3 का ही करेंगे, है ना? सही यस बता रही मैम, है कि पहले हम अगर 3 का करके देखें तो आंसर कितना आ रहा है? 17 28
विच इज वेरी ह्यूज अमाउंट, तो फिर हम मैम क्या करेंगे, दो दो का पेड़ ठीक है, क्योंकि अगर 2 की पावर 1 करते हैं तो सिर्फ 12 ही आता है, ठीक है, तो 12 कॉम्बिनेशन में तो चांसेस है ही नहीं, 2 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा, 143 नहीं 144 सॉरी, 12 का स्क्वायर तो भाई 144 होगा, कैसी बात की मैंने, ठीक है 144 होगा आपका, तो ये क्या हो गया 12 से 144, 96 अमीनो एसिड बनने के चांसेस है 144 में, यस मैम 140 कॉम्बिनेशन में 96 अमीनो एसिड बन जाएंगे, यस मैम यस मैम, वेरी गुड यार, चलो जिन लोगों ने कर लिया ना वेरी गुड, बहुत खुश हुई कि इस तरह के क्वेश्चन तुमको क्लियर हो चुके हैं और तुमसे बन रहे हैं, ठीक है, बाकी लोगों को क्लियर हुआ, बाकी लोगों को क्लियर हुआ, एक बात बताओ 12 बजे के बाद कुछ होता है क्या, है 12 बजे क्या है, स्कूल है क्या, है कुछ एक्टिविटीज होती है क्या तुम लोगों की डिफरेंट, है नो मैम, सडनली पहले स्ट्रेंथ रहती है बढ़िया से, 12:05 होते नहीं है कि स्ट्रेंथ एकदम डिक्लाइन होना शुरू होती, क्या है ऐसा 12 बजे बताओ, तो क्लास का टाइमिंग ही चेंज करा लें, है वो हो गया सिंड्रेला हो गया क्या तुम लोग, 12 बजे लेके जाना है ऐसा है क्या, स्टोरी पता है ना सबको, रात के 12 बजे के पहले वापस आना रहता है, ये वही हाल है, जैसे ही 12 बजते एकदम से डिक्लाइन होने लग जाते हैं स्टूडेंट्स, क्यों भाई क्यों, रिसेस होती है इनकी किस चीज की, मैं तो नहीं देती मतलब कुछ भी, क्या ही करने आए फिर, कहाँ चले गए आधे लोग, है पढ़ते पढ़ते गायब एकदम से, चलो क्लियर है ये वाला बेटा, समझ में आया, यस मैम यस मैम, वेरी गुड, जो लोग पढ़ रहे हैं मैम उनके साथ हैं, वो पढ़ रहे हैं हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, चलो मैं कुछ यहाँ पे कोड लिख रही हूँ, लाइन से अमीनो एसिड लिख के बताओगे, ठीक है, इसी सीक्वेंस में अमीनो एसिड बताओ कि कौन सा कोड आपका, कौन सा अमीनो एसिड कोड कर रहा है, चलो अभी तो तुम लोगों का तो स्कूल वगैरह कुछ नहीं रहता होगा ना, कि कुछ अदर क्लासेस ज्वाइन किया हुआ है तुमने, बेटा अमीनो एसिड बताना है, अमीनो एसिड बताना है आपको, मेरी बात सुनो, क्या करना है, अमीनो एसिड बताना है, दैट मींस व्हाट, ये तन्वी ने सही बताया, ठीक है, क्या करना है अमीनो एसिड, जैसे मान लो ए यू जी था तो क्या कोट करा, मेथियोनीन, जैसे जी जी ने क्या कोट किया, ऐसे बताओ सीक्वेंस, गुड तन्वी सही है, सीक्वेंस बताना, अभी समझ में आया क्या बताना है, नो दीक्षा मैंने ट्रांसलेशन पढ़ा है इसमें से, तो 3 मैंने ट्रांसलेशन में ही पढ़ा दिए हैं,
सारा लाइन से लिखो। यस, पहला वाला जी 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 क्या बनाएगा? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन बनाएगा। दूसरा क्या बनाएगा? ये तो मैंने ट्रांसलेशन में यही सीक्वेंस ली थी। फेनाइलएलानिन। फेनाइलएलानिन बनाएगा। फिर क्या बनेगा? प्रोलीन। प्रोलीन। फिर लाइसिन। 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 और फिर क्या होगा? स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन आ जाएगा। तो क्या बनेगा मैम? कुछ भी नहीं, टर्मिनेट हो जाएगी। यस, ठीक है। तो ये सीक्वेंस बनेगी आपकी? यस मैम। क्लियर है? और जो अगर अब मैं बोलूं कि ये अमीनो एसिड की सीक्वेंस इस तरीके से आई थी, तो अमीनो एसिड कैसा बन जाएगा आपका? इधर एन टर्मिनल, एन टू सी टर्मिनल, और ये इधर सी टर्मिनल। ठीक है, क्लियर? नाम बताना था। एक क्वेश्चन और बताओ। चलो अभी देखते हैं थोड़ा सा, कितना कॉमन सेंस है, सारा लगा दे देना, ठीक है, इस क्वेश्चन में। चलो, इफ अ जीन इनकोडेड अ पॉलीपेप्टाइड ऑफ 50 अमीनो एसिड, ठीक है, इफ अ जीन इनकोडेड 50 अमीनो एसिड्स, कितने अमीनो एसिड्स का पॉलीपेप्टाइड बना रहा है? 50 अमीनो एसिड्स का, ठीक है। ठीक, हियर अब देखो क्या हुआ यहाँ पे। In 25th, in the place of 25th, कितने अमीनो एसिड बन रहे हैं? 50 अमीनो एसिड बन रहे हैं। 25th place का जो कोडोन है, which is UAU, ठीक है, UAU है, it is mutated to UAA। अभी बताओ कि क्या होगा, what would be formed? कितने पॉलीपेप्टाइड बनेंगे, कौन से पॉलीपेप्टाइड बनेंगे, क्या बनेगा बताओ? कोई ऑप्शन नहीं, खुद से बताओगे तुम लोग। ये बता लिया तो फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस भैया पक्का है तुम्हारा एकदम। एक ये और एक और क्वेश्चन पूछूंगी, दैट टू क्वेश्चन आर द डिसाइडिंग फैक्टर, कि तुमने अच्छे से पढ़ लिया है। जिन्होंने पढ़ा है ट्रांसलेशन अच्छे से तो कर लेंगे अभी सॉल्व। पलमिंदर थोड़ा सा और सोचो, यू आर वेरी क्लोज टू द आंसर। ट्रांसलेशन पढ़ा है तो काफी सारे बेसिक्स पॉइंट बता रही थी मैं। यस एग्जैक्टली, वेरी गुड। How many polypeptide will be formed? How many polypeptide will be formed? Yes, क्या होता है आपका, जितने मैंने बताया था ना, जैसे ही आपका क्या होगा, टर्मिनेटर आ जाता है, तो अगर फिफ्थ नंबर पे टर्मिनेटर आया है तो कितने पॉलीपेप्टाइड बनेंगे? फोर्थ तक। बताया था, तो ये आपका अमीनो एसिड कितने पॉलीपेप्टाइड इनकोड कर रहा था? 50 थे, लेकिन 25th कोडॉन पे ही क्या आ गया आपका? UAU म्यूटेटेड हो गया, UAA हो गया। तो ये क्या था आपका? स्टॉप कोडॉन था। प्रोसेस विल बी स्टॉप एट द 25th कोडॉन। 25th कोडॉन पे अगर प्रोसेस स्टॉप हुई है तो कितने पॉलीपेप्टाइड विल बी फॉर्म? 24 पॉलीपेप्टाइड बनेंगे। क्लियर है? और देखो सिर्फ वो एक लाइन जो मैंने बताई थी उस लाइन पे ये न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ है, ठीक है। और फिर जब एग्जाम में वो एक बार, मैंने तो अभी इसको बहुत छोटा करके लिख दिया है, मेन मेन पॉइंट लिखे ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। अगर मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूरा देती तो ये क्या होता है, 3 से 4 लाइन क्वेश्चन लिखा हुआ होता है, ठीक है, देन इट विल बी मोर कंफ्यूजिंग। ठीक, तो चीजें जो भी पढ़ रहे हो बेटा, बेसिक्स क्लियर है तो तुम कुछ भी सॉल्व कर लोगे, चाहे वो किधर से भी क्वेश्चन आए, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन करो।
कौन कौन है लास्ट में बताना जिन्होंने सारे क्वेश्चन के आंसर सही किए, ठीक है। इन 3.2 किलो बेस पेयर लॉन्ग पीस हैव 820 एडिनिन, ठीक है, क्लियर। बेसिस आर फाउंड, ठीक, फाउंड द नंबर ऑफ साइटोसिन, फाउंड द नंबर ऑफ साइटोसिन, बताओ साइटोसिन बताओ। तन्वी कैलकुलेट करो बेटा फिर से, अभी प्रशांत है नबी, सही करेक्ट आंसर। तन्वी कैलकुलेट करो बेटा फिर से, पलक सही है, स्नेहा का भी सही है, पलविंदर, बाकी लोगों का सही आया। तन्वी बेटा कैलकुलेट करो, यस 780। क्या किया सबसे पहले, एक किलो बेस पेयर में कितने बेस होते हैं? 1000 होते, तो 3.2 में कितने होंगे? 32, ठीक है, तो टोटल बेस कितने हैं हमारे पास? 3200। एडिनिन कितना है आपका? 820, डबल करके माइनस करो, कितना हो जाएगा? 1640? यस मैम। ठीक है, माइनस करने पे कितना आएगा मैम? 1560। इसको क्या कर देंगे हम, हाँ, क्योंकि जो 1560 आया है वो किसका आया? साइटोसिन प्लस गुआनिन का, ठीक है, और जब इसको हाफ करेंगे तो ये किसका निकल आएगा परसेंटेज ऑफ आपका, मतलब नंबर्स किसके निकल आएंगे? साइटोसिन के। तो जैसे आपने परसेंटेज निकाला था जस्ट वैसे ही निकालना है, बस वहां पे परसेंटेज फॉर्मेट में दिया हुआ था, यहाँ पे कैसा दिया हुआ आपका? न्यूमेरिक फॉर्म में दे दिया है इस तरह से कि टोटल न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर दे दिए, ठीक है, बन जाएगा। यस मैम। ठीक है, अगर इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो इसको किलो बेस पेयर को चेंज कर लेना, पहला काम करोगे कि यूनिट कन्वर्ट करोगे, ठीक है, 32 बेस पेयर आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। और क्या करोगे उससे, जितना आपका एक अमाउंट दिया हुआ है, चाहे वो कोई सा भी अमाउंट हो सकता है, एडिनिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, थायमिन, ग्वानिन, जस्ट डबल कर देना, क्योंकि ग्वानिन भी है तो साइटोसिन भी उतना ही होगा, ठीक है। और दूसरी चीज, क्वेश्चन को रीड करना अच्छे से कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि टोटल अमाउंट दिया है एडिनिन और ग्वानिन का साथ में दिया है, सॉरी एडिनिन और थायमिन का साथ में दिया है, या ग्वानिन और साइटोसिन का साथ में दिया है, ऐसा कंडीशन भी हो सकता है। तो पहला काम तो क्वेश्चन अच्छे से रीड करना, तो अगर साथ में दिया है तो सीधे एक ही बार माइनस करोगे, लेकिन अगर सिर्फ एक बेस का दिया है इन दैट केस क्या करोगे, पहले डबल करोगे फिर माइनस करोगे, ये चीज क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, तो क्वेश्चन रीड भी बहुत ध्यान से करना, क्योंकि जब 3-4 लाइन में लिखा हुआ होता है तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, क्लियर है? ठीक, चलो, देयर इज अ कोडिंग स्ट्रैंड, एक कोडिंग स्ट्रैंड दे रही हूं मैं, इसका mRNA बताओ, GTT CGA GTC,
चलो एमआरएनए बताओ इसका। ये वाला कंसेप्ट सबको क्लियर है ना? टेम्पलेट स्ट्रैंड होता तो क्या एमआरएनए बनता? जल्दी से बनाओ। मैम इसी सीक्वेंस का टेम्पलेट बनाना है क्या बेटा? हाँ यही टेम्पलेट है। द सेम सीक्वेंस इज एज इफ योर टेम्पलेट। तो क्या करते इसी स्ट्रैंड को एक बार कोडिंग में लिखना और एक बार आपको टेम्पलेट में सेम स्ट्रैंड। डन डन क्लियर है? बन जाएगा। चलो एक क्वेश्चन बताओ। इफ अ कोडॉन If a codon consists of three bases, ठीक है, and there are five different bases, ठीक है, how many codons will be there? How many codons will be there? बताओ। मैम थ्री बेसिस और फाइव डिफरेंट बेसिस हैं कि फाइव डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स। एक कोडॉन जो है वो तीन बेसिस से मिलके बना होता है, ठीक है? पांच बेसिस हैं तो कितने कोडॉन बनेंगे? पांच बेसिस हैं, एक कोडॉन तीन से मिलके बना होता है तो कितने कोडॉन बन जाएंगे? कितने नंबर ऑफ कोडॉन बनेंगे आपके? The question is like that. Good, Tanvi. अभी सब अपने अपने नाम बताना कि किस किस सारे के सारे क्वेश्चन सही थे, ठीक है? मैम एक बार वो रिपीट कर देना जो आपने स्टॉप कोडोन वाला करवाया था ना, एक पॉइंट कि अगर इसको रिमूव करेंगे तो इतने बचेंगे, वो वाला एक बार कर देना। मैम जो आपने एक पॉइंट बताया नहीं था कि अगर इसको रिमूव करेंगे तो हमारे पास इतने करेक्ट बच जाएंगे, आपने क्वेश्चन भी करवाया था स्टॉप कोडोन वाला कि 25 है तो एक को रिमूव करते हैं। ठीक है अभी बता देती हूँ। देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या करते हैं, चार बेस होते हैं तो पावर थ्री करते हैं हम, ठीक है? तो फाइव बेस है तो क्या कर देंगे, पावर थ्री, कितना आ जाएगा? 125। क्लियर है? अमीनो एसिड्स की बात कर रहे हैं कि अगर अमीनो एसिड्स बनाते हैं, चलो स्टार्ट हुआ कहाँ से, एयूजी से, फिर अगला सीक्वेंस क्या था, यूएए था, फिर क्या था, एएए था, फिर क्या था, यू 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 था, सी 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 था, ठीक है, फिर जी 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 था, और अभी यहाँ क्या आ गया आपका, एयूजी आ गया। तो यहां से शुरू हुआ, यहां से शुरू हुआ, मेथियोनिन बनेगा ही बनेगा, ठीक है? यहाँ आके क्या हो जाएगा बेटा, स्टॉप। तो क्या जहाँ स्टॉप होता है वहां कुछ बनता है? नो मैम, यहाँ मूवमेंट रुक जाता है। यहाँ आके आपके क्या करते हैं, फैक्टर्स बाइंड हुए, रिलीज फैक्टर आके बाइंड हो गया, तो यहाँ तो कुछ बनेगा ही नहीं ना, लेकिन यहाँ पे तो बनेगा, स्टार्ट कोडोन पे तो बनेगा, लेकिन स्टॉप पे बनेगा क्या? नहीं। टोटल कितने सीक्वेंस थे स्टार्ट से स्टॉप के बीच? 1 2 3 4 5 6 और ये वाला 7 था, ठीक है? तो सात पॉलीपेप्टाइड में से इस वाले को, स्टॉप वाले को काउंट करोगे क्या? नो मैम, क्योंकि यहाँ तो रिलीज फैक्टर आके बाइंड हो गया,
तो ये तो बनाएगा ही नहीं कुछ, बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा। कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 7 आपका कोड दिया हुआ था, तो कितने पॉलीपेप्टाइड, 6। ठीक है, अब वहां क्यों ऐसा हो रहा था, वहां पे 25th पोजीशन पे म्यूटेशन हो गया, अगर नहीं होता तो वो फिर कोई ना कोई अमीनो एसिड बनाता, लेकिन 25th पे जब म्यूटेशन हुआ तो क्या हुआ, 24 ही बना, कोडॉन आ गया, रुक गया, रिलीज फैक्टर आके बाइंड कर गया, तो उस जगह पे कुछ बना होगा क्या 25th पे, नहीं बना, तो मतलब पहले के 24 तो बने होंगे ना, तो कितने प्रोटीन, कितने पॉलीपेप्टाइड चेन, 24। आ रही है बात समझ में, यस मैम। कोई डाउट किसी को, नो मैम। अभी नाम बताओ चैट बॉक्स में जिनके सारे क्वेश्चन सही थे, नाम बताओ अपने अपने जिनके सारे के सारे सही थे। ईमानदारी का परिचय देते हुए नाम बता दो, सिर्फ तनवी है कैसी जिसके सही थे, चलो जिनके मतलब 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं बाकी सारे सही थे वो लोग नाम बताओ, 3 तक गलत हुए आपका। मैम मेरा क्वेश्चन एक बार गलत हो गया था लेकिन दूसरी बार फिर आ गया था आंसर। अच्छा वो काउंटिंग वाला, यस हाँ। अभी कितने क्वेश्चन गलत थे अभी, मैम 2 क्वेश्चन, और दीक्षा मैम 2। अच्छा 5 वाले कौन है जिनके 5 क्वेश्चन गलत हो बाकी सारे सही, 5 वाले रैंक में कौन है, पलविंदर और ध्रुव, कोमल, प्रशांत, आस्था, गुड, दिशा, यस। 10 वाले कौन हो भाई, 10 वाले भी होंगे सीरीज में जिनके 10 तक के बाद के मतलब 10 गलत हुए बाकी सारे सही, कोई ऐसा 10 वाला, 10 वाले तो बहुत सारे होने चाहिए, तो फिर बाकियों के क्या 10 के ऊपर गलत हैं, क्या मानूं मैं इस खामोशी को, काउंट करो जल्दी से देखो 10 वाले की रेंज में कौन है, इस चैप्टर से अब तुमको क्या चांसेस लग रहा है ये बताओ, क्वेश्चंस आएंगे बन जाएंगे, व्हाट वुड बी योर एक्सपेक्टेशन नाउ, चैप्टर तैयार पूरा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बचे, कल करवाऊंगी और उसके क्वेश्चन भी कल ही करवा दूंगी, बताओ डन, yes, डाउट है इस चैप्टर में, मैम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी बचते हैं, हाँ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड फिंगरप्रिंटिंग दोनों करा के कल उसके क्वेश्चन एक साथ करा दूंगी, ठीक है, ये बताओ कोई डाउट है क्या अभी इसमें कहीं किसी को, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में एवरीथिंग हैज क्लियर, क्वेश्चन बन रहे हैं, कर लोगे आप कहीं से भी आएंगे सॉल्व, ठीक है डन, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, नो मैम, नो मैम, पक्का, यस मैम, यस मैम, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय मैम, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, एक बार ये वाला चैप्टर फिर से अपनी तरफ से भी क्वेश्चंस और जो होंगे तो सॉल्व कर लेना, ठीक है, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क टू मी इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू मैम, बाय मैम।